खबरों की ओर बढ़ते हैं। ब्यावर जिले के सदरा थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार को दोपहर में 7 साल की मासूम के साथ दो युवकों की ओर से सामूहिक दुराचार किए जाने के मामले में हरकत में आई पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक पड़ताल में दोनों आरोपी आदतन शराबी बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी के बाद रविवार को आईजी लता मनोज अजमेर रेंज ने भी ब्यावर एकेएच पहुंचकर पीड़िता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और मौका स्थल का मुआयना भी किया। जबकि जिला कलेक्टर ब्यावर रोहिताश्व सिंह तोमर और जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह ने शनिवार को देर रात्रि में ही एकेएच पहुंचकर घटनाक्रम की जानकारी ली और चिकित्सा प्रबंधन को समुचित उपचार के निर्देश भी दिए। घटना को लेकर पुलिस और प्रशासन काफी सख्ती में आ गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक आरोपी को तो घटना के कुछ घंटे बाद ही धर दबोच लिया, जबकि दूसरे आरोपी को रविवार को सुबह पकड़ा गया। आपको बता दें कि 7 साल की नाबालिग शनिवार को दोपहर में अपने घर पर अकेली थी, जबकि माता पिता मजदूरी के लिए गए हुए थे। इस बीच दोनों युवक मासूम को बहला फुसला कर अपने साथ ले गए और गांव से दूर खेत में ले जाकर उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया। घर पहुंची मां ने बेटी को लहूलुहान हालत में देखा तो दंग रह गई। पीड़ित को तत्काल उपचार के लिए चिकित्सालय बर ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उसे ब्यावर के लिए रेफर किया गया। ब्यावर लाने के बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई थी, जहां बाद में देर रात जीतारण पुलिस उप अधीक्षक सीमा चौपड़ा और सेंदरा थानाधिकारी बुद्धाराम चौधरी अमृत कौर अस्पताल पहुंचे और पीड़िता के परिजनों से बातचीत कर उसका मेडिकल करवाया गया। देर रात मासूम की एकेएच में सोनोग्राफी भी करवाकर उसे समुचित उपचार प्रदान किया गया। फिलहाल मासूम की हालत में सुधार है। पुलिस मामले में पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है। देखिए, प्रकरण पंजीबद्ध हो चुका था पहले और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कल ही 1.5 घंटे के भीतर एक मुलजिम को दस्तयाब कर लिया। दूसरा जो मुलजिम है वो अभी जस्ट 5 मिनट पहले हमने दस्तयाब कर लिया। पुलिस की कार्रवाई जारी है। बच्ची को मैंने विजिट किया है हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स की टीम से भी बात करी है। उसका उपचार, उसकी देखभाल में किसी प्रकार की कमी अस्पताल प्रशासन द्वारा नहीं रखी जा रही है। सभी तरह की जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ बच्चे को चाहिए वो उसको उपलब्ध कराई जा रही है। पुलिस की प्रायोरिटी ये है कि जल्द से जल्द अनुसंधान पूर्ण कर हम चालान प्रस्तुत करें। इस प्रकरण में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी। मैम, आरोपी जो है बच्ची को घर छोड़ने से पहले किसी एक लोकल जो क्लिनिक चला रहा है उसके पास लेके गए थे। देखिए, अभी अनुसंधान में जो चीज़ें आएंगी ये स्टेज नहीं है उन सबको शेयर करने का जी। अनुसंधान पूर्ण होने दीजिए, हम आपको पूरी इसके बारे में ब्रीफ करेंगे। अभी अनुसंधान हमको आगे बढ़ाना है।